नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्लोडिपिन के बारे में। एम्लोडिपिन बेसिकली एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए और साथ ही साथ जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है लाइक एंजाइना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दवाई क्या होती है, इसका प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस दवाई के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसको इस्तेमाल करने के समय हमें क्या सेफ्टी टिप्स को अपनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस दवाई का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसके दौरान होता क्या है कि जो ये दवाई है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनके मसल्स को ये रिलैक्स करती है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी उस पर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है पूरे शरीर में। साथ ही साथ हार्ट पर भी जो लोड है वो भी कम करती है, हार्ट की मसल को भी रिलैक्स करती है। तो इस तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये मैनेज करने में मदद करती है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के फ्लो को भी इम्प्रूव करती है। तो ये एंजाइना के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना दोनों को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो फ्यूचर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक्स हैं उससे बचा जा सकता है। तो अब अगर बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो 13 रुपए से इसकी स्टार्टिंग है, लेकिन बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो एज़ पर दैट इसके जो प्राइस रेंज है उसमें काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया एग्जैक्टली उसी तरीके से, उसी डोज में, उसी ड्यूरेशन में, उतने ही ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हिसाब से इसके डोज या ड्यूरेशन में चेंजेस नहीं करने चाहिए। और जिस टाइम पे आप इस दवाई को लेते हैं, नेक्स्ट डोज भी आपको सेम टाइम पे ही, सेम पैटर्न को ही अपनाना चाहिए और सेम टाइम पे ही दवाई के नेक्स्ट डोज को रिपीट करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप एम्लोडिपिन लेना स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सडनली आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, डाउन हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें, जब हम बैठे हैं या लेटे हुए हैं, तो सडन जर्क के साथ नहीं उठना चाहिए, सडनली बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, धीरे धीरे उठने की कोशिश करें। साथ ही साथ कई बार एम्लोडिपिन इस्तेमाल करने से जो हमारा एंकल है, हमारा पैर है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। उसको मैनेज करने के लिए आप जब बैठते हैं तो अपने पैर को ऊपर करके, सपोर्ट करके किसी चेयर पे या बेड पे रख के पैर को बैठें। साथ ही साथ ही जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, अगर ये परसिस्ट करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बॉदरिंग हो जाती हैं, तो इसके बारे में तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। उसके अलावा ये जो दवाई है थोड़ा सा डिजीनेस कॉज कर सकती है, तो आपको ड्राइव या फिर अकेले कहीं जाना, जब आप इस दवाई को लेना बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे अकेले कहीं जाना या ड्राइव करना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप ये दवाई लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको इससे डिजीनेस हो सकता है, तो जिसकी वजह से जब आप दवाई लेना स्टार्ट करें उस टाइम पे एग्जैक्टली आप अकेले ड्राइव करना, अकेले कहीं जाना आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और टिल द टाइम आपको ये समझ आ जाए कि ये दवाई किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप दवाइयाँ खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि जो एक्सपायरी डेट है वो दवाई पे मेंशन्ड होनी चाहिए, प्लस आप हमेशा उसको ध्यान से पढ़ें कि क्या डेट है। उसके अलावा जो दवाई है वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली इंटैक्ट होना चाहिए, कहीं से लीकेज या ब्रेकेज या फिर सील डैमेज नहीं होना चाहिए, और हमेशा ओरिजिनल दवाइयाँ ही खरीदें। तो अगर आपको भी ओरिजिनल दवाइयाँ ख़रीदनी हैं तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे ही लिंक को शेयर किया हुआ है जिसकी आप मदद ले सकते हैं और वहाँ से आप ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पहले से ही नोन कोई किडनी, लिवर या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई और आपकी दवाई चल रही है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो चाहे ओवर द काउंटर मेडिसिन हो, तो उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये सारी कोई भी इस तरह की कंडीशन है, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अच्छा, कोई भी दवाई चल रही है वो बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कई बार बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, तो आपको इसलिए अपने प्रीवियस कोई भी दवाई चल रही है उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि डॉक्टर को पता चले कि कौन सी दवाई आपको एडवाइस करनी है, कौन सी नहीं करनी है। प्लस जो कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ होता है, तो उस टाइम पर कुछ भी हम
ऐसी चीज़ नहीं ले सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम हो, तो वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई भी दवाई आप लेते हैं, आपके डॉक्टर कोई भी दवाई आपको एडवाइस करते हैं, उस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, ये सारी कंडीशंस आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एमलोडी पिल लेना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है इनिशियली सडनली आपके ब्लड प्रेशर में फॉल आ सकता है, तो उस टाइम पे दवाई को लेना बंद मत कीजिए। ज़्यादा अगर बॉदर कर रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एमलोडी पिल के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।